ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास महात्म्य की सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय पाठ मेरे चैनल पर सुने जा रहे हैं। आज उसी क्रम में हम श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें शनिवार व्रत की कथा को बताया गया है। अगर आपने पहले के अध्याय पाठ नहीं सुने हैं तो चैनल का लिंक और कुछ वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अवश्य सुनिएगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अब हम अपना श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय आरंभ करते हैं, शनिवार व्रत कथा। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी और शनि देव का व्रत तीनों इसी दिन किए जाते हैं। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा कि अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को तीन देवताओं श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी और शनि देव की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा अर्क तथा मंदार की माला से पूजा करके नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा अर्थात पकौड़ा तथा उपचारों के द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवता तथा दश ग्रीव दर्पाहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जाप करता है उसे कभी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1,00,000 बार पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर सकते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा और पूजन की विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी के सहित हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूलों के द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक्र की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह जी को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह जी खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी जी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उनकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा और उसका महात्म्य बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनिदेव का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंगी व्रत में बताए के अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान में दें। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, उनकी गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं, ये इंद्र नीलमणि के तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है, इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन, गुगल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय,
बछड़े के सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनि देव की आराधना की थी। शनि देव ने उन पर कृपा करी और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनि देव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनि देव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान अति मंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनि देव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनि देव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शनि देव, मुझ अति दीन पर आप अपनी कृपा करें। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनि देव की आराधना में शनो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनि देव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे चौथे पांचवे सातवे आठवे नवे या बारहवे स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए उनकी शांति के लिए शामाग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार ये श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए।